लेकिन आज ऑनलाइन गेमिंग सट्टा घर घर में चल रहा है, गांव गांव में चल रहा है। वो सट्टा ऑनलाइन कौन चला रहा है? उन कंपनियों को लाइसेंस कौन दे रहा है? उनसे चुनाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा कौन ले रहा है? उन लोगों का खुलासा इस सदन में होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से प्रदेश के युवा के साथ धोखा करने वाली मानसिकता है। प्रदेश के बेरोजगार युवा को, जिसको कि पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 4,500 रुपए तक भत्ता दिया, 1,00,000 बेरोजगारों को भत्ता देने की सीमा को बढ़ाकर 2,00,000 तक किया। इसके बाद यह सीमा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी है उसके बाद में 10 महीने, क्या 7-8 महीने हो गए? अभी मैंने प्रश्न लगाया कि आज तक बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया गया? 250 करोड़ बेरोजगारों का पैसा 6 महीने तक इन्होंने अपनी ट्रेजरी में रखा। बेरोजगारों के तो ये हितैषी है ही नहीं। साथ के साथ अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए, सभापति महोदय, युवाओं के लिए खेल बहुत जरूरी है। खेलों में पूर्ववर्ती सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनाई कि जो खिलाड़ी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी है उनकी सरकारी जॉब लगने का रास्ता खोला। ये युवाओं को ये भी बताएं कि इस 6 से 8 महीने के अंदर क्या एक भी खिलाड़ी को आपने ज्वाइनिंग दी? क्या आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जब वो खिलाड़ियों से कोई नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ले लेगा, उनके साथ धोखाधड़ी कर देगा, उनके अरमानों को कुचल देगा, क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्यों आप लोगों ने पेंडिंग 300-400 एप्लीकेशन से उनकी स्क्रूटनी करके ज्वाइनिंग क्यों रोकी हुई है? इस सदन में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए, जो कि अपने आप को युवाओं का बड़ा हितैषी बताने का काम कर रही है। साथ के साथ ग्रामीण ओलंपिक जैसी योजना को बंद कर दिया। आपका समय समाप्त। चलिए मैं इसको आखिरी में एक बात में अपनी बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक मिनट में कर रहा हूं। आज आप समझे, मैं नहीं लूंगा, एक मिनट में कर रहा हूं। ये सरकार अपनी बात कह दे, सिसरो का इन्होंने अपने बजट के अंदर उल्लेख किया, जिन्होंने लिखा था कि लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सहायता, खुशहाली सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इनके कर्मों में विरोधाभास है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनको कर्मों में मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, आदिवासी का डीएनए कराना, घमंड की भाषा बोलना। सरकार के मंत्री कहते हैं